गाइस इस मौसम में छत में रहने का मन कर रहा है। हवा भी चल रही है बहुत प्यारी प्यारी। तो और ये रहा मम्मी का चुलाई की सब्जी, और यहाँ पे लौकी का बेल गया हुआ है, इसमें वो रखे भट और वो है गहत, और ये है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों को मैं प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो गाइस मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से, और इतना मस्त वाला मौसम हुआ है यहाँ पे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो मेरा भी व्रत है, पहले का भी व्रत किया था मैंने व्लॉग। गाइस यहाँ पे बन रही है चाय मेरी, अदरक डाल। तो गाइस यहाँ पे बन गई है सुबह सुबह की मेरी चाय, देखिए। तो गाइस यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, देखिए। ये है आज का व्यू, देखिए कितना। और ये हम उनका खेत, तो वैसे ये मिर्चीटी के पेड़ हो रखे हैं, पहले से हम घरों में लगाते थे इनको अपने हाथों में पीस के हरेले के दिन। और ये रहा मम्मी का चुलाई की सब्जी, और यहाँ पे लौकी का बेल गया हुआ है, इसमें वो रखे भट और वो है गहत, और ये है मक्के, और वो रहे पिनालू के पेड़। जूम करके दिखाती हूँ गाइस, ये है पिनालू के पेड़। मम्मी ने इतना अच्छा हरा भरा खेत बना रखा है आजकल। तो गाइस फटाफट से बनाते हैं चाय, मिलते हैं आपको उसके बाद। आधे को नहलाया नहीं है, वैसे ही खाली बाल बना रखे हैं। अभी आ गई हूँ मैं छत में, और मौसम भी मस्त हो रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बादल लग रखा है, धूप नहीं लग रही है। और मंदिर से आ गई है, पूजा पाठ हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहनी है तो एक दो रील्स भी बना लूँ, तो छत में आई हूँ मैं रील्स बनाने के लिए, और मैं दिखाती हूँ आप। तो वैसे ऐसा है आज का व्यू, ये रहा मंदिर, मंदिर में अभी भी भीड़ है। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, मस्त मौसम हो रहा है, मस्त वाला। तो
गाइस इस मौसम में छत में रहने का मन कर रहा है, हवा भी चल रही है बहुत प्यारी प्यारी। तो मैं इसको मैक्सिमम ऐस कर लेती हूँ, ड्राई फ्रूट और बनाना में मिक्सी में ऐस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में इसमें दूध डालूंगी। इसमें मैंने चीनी, ड्राई फ्रूट और बनाना डाल लिया हुआ है, तो मैं फटाफट से इसको रोस्ट कर लेती हूँ। और गाइज ये रही मेरी मेहंदी, मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाया है क्योंकि बहुत लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाया है। देखिए ये रही मेरी मेहंदी और यहाँ पे लिखा है मैंने बसंत और आध्या। तो ये रही मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, बहुत सिंपल बनाया मैंने क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो ये भी अच्छा ही लग रहा है तो मैंने ये ट्राई किया। अभी आधे की मालिश वगैरह हो गई है, अभी आधे में मेरा बनाना सेक रेडी हो गया है। तो गाइस आज मैं कर रही हूँ कूलर की सफाई, और कब से इसमें पानी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं सारे नट वगैरह खोल के इसकी पानी सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मेरी कैमरा मैन है मम्मी। हाँ खोल तो दिया है मैंने, अरे मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी नीचे एक साइड से, इसको नहीं खोलना है, इसको हल्की ऐसी हल्का सा मोड़ देती हूँ नीचे, क्योंकि इसमें टेप लगा हुआ है, बार बार कौन लगाएगा, ऐसे ही साफ़ करना पड़ेगा ये गंदगी। देखो कितना गंदा हो रहा है पानी, क्या लाना पड़ेगा ये डिब्बा। पहले डिब्बे मेरा कूलर साफ हो गया है, ये देखिए पूरा गंदा हुआ था, मैंने पूरा क्लीन कर दिया, ये देखिए अभी भी जो ओने कोने में वो बच रखा है बट वो नहीं हो पा रहा है मेरे से, इतना ज़्यादा गंदा आया है ये आधा जो मैंने बाहर फेंक दिया है। तो फाइनली मैंने कूलर को क्लीन कर दिया है, ये देखिए पूरा साफ़ कर दिया गाइस इसको। अब थोड़ा सा इसको धूप में सुखा देते हैं, वो वाला पार्ट तो मैंने रखा है इसके धूप में, थोड़ा सा ये वाला पार्ट को सुखा लेती हूँ,